यूपी के बदायूं में दो बच्चों की निर्मम हत्या के बाद से ही पूरा परिवार सदमे में है। दो बच्चों को खोने के बाद मां बदहवास है, पिता गमगीन है, वहीं बच्चों की दादी इस हमले में जिंदा बचे मासूम को संभालने में लगी हुई है। वहीं अपने एक बड़े और एक छोटे भाई को खोने वाला मासूम इस पूरे हत्याकांड की दास्तान बयां कर रहा है। इस पूरे खौफनाक वाकियों को याद कर मासूम बच्चा भावुक हो उठता है। भाइयों को याद कर उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं और वो समझ नहीं पा रहा कि उसके मासूम भाइयों की आखिर साजिद ने क्यों जान ले ली। बच्चे देखिए काफी ज्यादा परेशान हैं, ये दादी हैं, छोटा बच्चा है और देखिए ये परिवार के हालात है। परिवार काफी शोकाकुल है, गमगीन है। ये वही बच्चा है जो बच गया था। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। पीयूष कितने बजे ये आया था साजिद और जावेद आपके पास? 7 बजे। 7 बजे क्या बोला आपसे? कहा हमारी पत्नी एडमिटेड हॉस्पिटल में, 5,000 पैसों की जरूरत है, हम 2 घंटे तक ऊपर बैठेंगे। उसके बाद फिर आपसे क्या बातचीत हुई उसकी? आपको फिर क्या पानी लाने बोला? किसको पानी लाने बोला था वो? मैं छोटे वाले भाई को। छोटे वाले भाई को क्या बोला कि पानी लेके आइए? उसके बाद आप फिर कहाँ कैसे मिले उससे, साजिद से? जब मैं छोटा भाई चीखा तभी मैं ऊपर गया। फिर आपने क्या देखा वहाँ पे? मैं भाई पड़े थे और बहुत सारा खून निकला और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, मेरे हाथ पर चोट मार। ये देखिए इस बच्चे के हाथ पे चोट लगा है, इस बच्चे पे भी अटैक हुआ था। फिर आप कैसे भागे वहाँ से? उनके पैर में कांच लग गए तभी मैं बचकर भागा है। अच्छा, वो साजिद के पैर में कांच लगा, गिलास टूट गया था ऊपर। हाँ। पानी पिया, वो शराब पी हुई, शराब ले गया था, शराब भी ले गया था ऊपर। हाँ, पौवा पड़ा है ऊपर। हाँ, पौवा पड़ा है ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर आप नीचे आए थे। फिर आपने घर नीचे आके किसको बताया? अम्मा और मम्मी को। अम्मा और मम्मी को बताया। और कहाँ चोट लगी आपको? जी इधर और एक सिर में। पीछे से उसने अटैक करना चाहा था? नहीं, आगे से ही तुरंत मेरा मुंह पकड़ लिया। मुंह पकड़ लिया था आपका? उसके बाद फिर आप नीचे भाग के आए। देखिए ये वही छोटा बच्चा है जिसके बड़े भाई और छोटे भाई की जो है वो हत्या कर दी साजिद और जावेद ने। और ये वही बच्चा बता रहा है किस तरीके से पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। अभी बच्चा उतने बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी कहानी जो है वो यहाँ पर बयां करता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है कि ऊपर मेरे पे भी अटैक हुआ, अंगूठे में और सर के ऊपर बच्चे की चोट लगी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच्चा भागा नीचे और अपनी माँ और दादी को आकर पूरी सच्चाई बताई और उसके बाद ही जो है पूरे बात का पता चल पाया। देखना होगा कि जांच में और कुछ क्या निकल के सामने आता है और इस पे आगे क्या कार्रवाई होती है। अभिषेक राज, टाइम्स ऑन भारत, बधाई।